ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ वीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीएसबी बैंक का आईपीओ आ रहा है वो कितनी टाइम सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन, और बाद में उसके ग्रे मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें क्या है कि स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम प्राइस एक्शन पे ऐड करने वाले। तो क्या है कि अगर आपको लर्निंग करनी है, कुछ सीखना है, तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो पहले हम देख लेते हैं अभी तक ये कितने टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब कल के दिन ये कितने टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर मैं QIB देख रहा हूं तो QIB ने 0 टाइम सब्सक्राइब किया, QIB ने एक भी सब्सक्राइब नहीं किया। बाद में NII की बात करें तो 0.1 टाइम इसने सब्सक्राइब किया है। बाद में रिटेल की बात करें तो 5.60 टाइम इसने सब्सक्राइब किया। सबसे ज्यादा रिटेल ही अभी क्या है कि इसमें दिख रहे, लेकिन जैसे ही लास्ट दिन होगा, लास्ट दिन के 2 बजे के बाद ये क्या है कि QIB और NII सबसे ज्यादा एक्टिव रहे थे, क्योंकि वो लास्ट तक देखते क्या होता है क्या नहीं होता। और बाद में जैसे ही उसको लगे कि अभी मेरे को सब्सक्राइब करना है, तब भी वो लास्ट में करते हैं। तो हम भी क्या है लास्ट दिन तक वेट करते हैं। अगर लास्ट दिन अच्छा एक सब्सक्रिप्शन हो चुका है तब हम इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है अच्छा सब्सक्रिप्शन है तभी तो आपको ओपनिंग गेन मिलेगा। इसलिए हम क्या है कि ऐसे ही पहले ये दिन या दूसरे दिन अप्लाई नहीं करते, हम लास्ट डे तक वेट करते। जब हमें ऐसा लगने लगे QIB और NIA दोनों एक्टिव हो चुके उसमें बुलिश है, तब हम उसमें अप्लाई करते। मेरे व्यू से मेरे को लगता है कि ये IPO क्या है कि आपको एक ओपनिंग गेन अच्छा सा देगा। तो हमारी तरफ से 90% आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10% मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि लास्ट डे हम देखेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ, नो डाउट मेरे को लग रहा है कि अच्छा होगा, लेकिन फिर भी एक क्या है कि सेफ पॉइंट के लिए हम देखते हैं, तो उस टाइम हम देखेंगे। तो अगर हमें अच्छा लगा सब्सक्रिप्शन तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये हुआ सब्सक्रिप्शन डिटेल। अब देख लेते ग्रे मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो CSB बैंक की अगर हम ग्रे मार्केट की प्राइस के बारे में बात करें तो एक अच्छी खासी चल रही है। तो पहले देख लेते आगे की कौन सी प्राइस पे है, क्या है कि आई थी, अभी इसमें इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो सब। तो अगर मैं 20 डेट को देखूं तो 20 डेट को 45-50 रुपीस पर शेयर चल रही थी। जो 21 को देखूं तो 65-70 रुपीस चल रही थी। बाद में 22 को देख रहा हूं तो 65-70 रुपीस चल रही है। और आज का देखते हो तो आज भी 65-70 रुपीस पर शेयर चल रही है ग्रे मार्केट में इसकी प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि इतने अप ये ओपन हो सकता है। ये क्या है कि वेरी होती रहती, तो आपको देखना पड़ेगा किस दिन कौन सी प्राइस है, और मोस्टली इसके आसपास मोस्टली होता है। तो आपको देखना पड़ेगा ग्रे मार्केट में इसकी कौन सी प्राइस चल रही है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये कितने ओपन ऊपर हो सकता है, मतलब ओपनिंग गेन कितना दे सकता है। ये हो गया हमारा छोटा सा वीडियो ऑन CSB बैंक सब्सक्रिप्शन एंड ग्रे मार्केट प्राइस, उसकी ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रही है। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। और आपको फुल डिटेल जाननी है इस IPO के बारे में तो हम ऑलरेडी उसमें वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने फाइनेंशियल भी डिस्कस किए, तो आपको वो वीडियो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखे अब तक। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।